सब्सक्राइबर्स बनाने के लिए मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा मैं कुछ यूनिक चीज आप लोग को बताने वाला हूँ, कुछ यूनिक मेथड आप लोग को बताने वाला हूँ। वो यूनिक मेथड आप लोग इस्तेमाल करके आप लोग का चैनल में बहुत ही जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत सारा है कि यूट्यूब में सर्च करते हैं ऐसा हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स, हाउ टू गेन सब्सक्राइबर्स फर्स्ट, ऐसा बहुत सारा सर्च करते हैं। तो करने के बाद आप लोग को बहुत सारा ऐसे सब्सक्राइबर्स रिलेटेड वीडियो मिल जाता है, वो सब वीडियो देख के आप लोग सब्सक्राइबर गेन करते हैं। लेकिन बाद में क्या देखा जाता है, बाद में देखा जाता है कि आप लोग का सब्सक्राइबर्स डिक्रीज हो जाता है। मैं शायद सही बोल रहा हूँ कि नहीं आप लोग ही बताइए। तो मेरे को पता ही है कि बहुत सारे आप लोग है जो जिसको मतलब बहुत सारे को सब्सक्राइबर्स डिक्रीज हो जाता है। तो इसका रीजन बहुत सारा कुछ हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो आपको सब्सक्राइब करने के बाद में जाके अनसब्सक्राइब कर दे रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं ऐसे ही कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को सब्सक्राइबर तो गेन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका जो आप लोगों का जो सब्सक्राइबर्स है, सब्सक्राइबर्स कभी भी डिक्रीज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को एक लिंक तैयार करने के लिए बताऊंगा, उस लिंक का नाम है डायनामिक लिंक, ठीक है। तो डायनामिक लिंक कैसे क्रिएट किया जाए इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम में क्या करते हैं, आप लोग YouTube का लिंक देता है, ठीक है। तो YouTube का जब लिंक देता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो भी बंदा या बंदी आगे क्लिक करता है ना, करने के बाद क्या होता है, उस लोग को लॉग इन करना पड़ता है, मतलब साइन इन करना पड़ता है। साइन इन विदाउट साइन इन वो लोग क्या, वो लोग वीडियो को वॉच नहीं कर सकते, लाइक भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें काफी सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा ये सब काम नहीं कर सकता है, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये जो लिंक जो है, ये लिंक अगर आप लोग का जो इंस्टाग्राम का जो बायो है उसमें अगर आप लोग देंगे तो क्या होगा, कोई भी बंदा या बंदी आके आप लोग का वो लिंक पे क्लिक करे तो डायरेक्ट क्या होगा, यूट्यूब में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एक फायदा है, और आपका फेसबुक में सेम है तो डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएगा। तो चलिए आप लोगों को मैं मेरा मोबाइल स्क्रीन में ले जाके दिखा देता हूँ कैसे डायनामिक लिंक क्रिएट किया जाता है, पूरा फॉर्मेलिटीज आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रोम में चला जाना है। जैसे क्रोम में चला जाता है, जाने के बाद यहाँ पर सिंपली आप लोगों को आके टाइप कर लेना है, टाइप करना है firebase.google.com। तो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। आने के बाद यहाँ पर ऐसा ही कुछ इंटरफेस अभी आ गया, तो इसके बाद आपको सिंपली डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। तो जैसे डेस्कटॉप साइड में कर लेते हैं तो यहाँ पर फायरबेस जो है इसमें क्लिक करना है। तो करने के बाद देखिए यहाँ पर गेट स्टार्टेड बोल के लिखा आ रहा है, तो गेट स्टार्टेड में आकर आप लोगों को क्लिक करना है। तो करने के बाद सिंपली आप लोग को यहाँ पर ऐड प्रोजेक्ट में आके क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नाम दे देना है, जैसे ब्राउज ऐसा करके कुछ दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू करिए, उसके बाद भी कंटिन्यू करिए। तो इसके बाद सिलेक्ट एन अकाउंट बोल रहा है, तो यहाँ पर डिफॉल्ट अकाउंट पर फायरबेस करिए, क्रिएट प्रोजेक्ट कर दीजिए। तो अभी आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। प्रोजेक्ट का नाम कोई भी दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है, वो आपका मन मर्जी। तो ये थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा आपको पेशेंस करके रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर बोल रहे कि योर न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी, तो ये रेडी हो गया। सिंपली आप लोग को यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ अभी इंटरफेस आएगा। तो देखिए अभी यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस आ गया। तो अभी यहाँ पर ज्यादा उल्टा पुल्टा कुछ आप लोगों को करना नहीं है, मैं जो बोल रहा वही आप लोग को सिंपली करना है। तो क्या करना, देखिए यहाँ पर बहुत सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख के आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आप लोग को सिंपली एक ऑप्शन में आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम इन करने का दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर डायनामिक लिंक बोल के है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर सिर्फ डायनामिक लिंक में जाके क्लिक करना है, ठीक है। तो ये देखिए डायनामिक लिंक जो बोला था वो अभी यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गेट स्टार्टेड बोल रहा है, ठीक है, डायनामिक लिंक के लिए। तो गेट स्टार्टेड में क्लिक कर दिया। तो करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला कि डोमेन का एक नाम देना पड़ेगा। तो आपका चैनल का जो नाम है वो नाम दे दीजिएगा यहाँ पर। तो चैनल का जो है यहाँ पर कोई भी चैनल का नाम दे दीजिए यहाँ पर, जैसे कि कोई भी आपका चैनल का नाम दे दीजिए, जैसे कि कैरी मिनाटी ऐसा करके कुछ दे दीजिए, ठीक है। तो ये दे दिया। तो देने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है carryminati.page.link, ठीक है। तो ये आपको क्लिक करना है, तो ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है। तो ये डोमेन हो गया, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कन्फर्म करना पड़ेगा। कन्फर्म में आके आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही कन्फर्म में क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपका जो पेज है
ये आपका पेज बोला है academyhati.page और लिंक हैज बीन वेरीफाइड एंड अप्रूव फॉर यूज। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिनिश में जाकर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे फिनिश में जाकर क्लिक करते हैं तो करने के बाद क्या होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपका ये जो है आपका academyhati का ये जो है ये आपका पेज लिंक क्रिएट हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है यहाँ पर न्यू डायनेमिक लिंक बोल रहा है, तो न्यू डायनेमिक लिंक में क्लिक करिए। तो न्यू डायनेमिक लिंक में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन बोल रहा है, एक बोल रहा है कि डीप लिंक यूआरएल, एक बोल रहा है कि डायनेमिक लिंक नेम। तो आपको यहाँ पर सिंपली ऊपर में जो है डीप लिंक यूआरएल, तो यहाँ पर आपका यूट्यूब का लिंक देना है, जो लिंक आप लोग डायनेमिक लिंक तैयार करना चाहते हैं। तो सिंपली आप लोग को यूट्यूब का लिंक जो है उसको आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, उसको आपको कॉपी करना है। तो कॉपी कैसे करना होता है वो आपको सिंपली दिखा देता हूं। जैसे कि आपको बहुत सारे को पता है कि यूट्यूब लिंक को कैसे कॉपी किया जाता है, तो अभी कॉपी करके यहाँ पर कैसे पेस्ट किया जाता है वही आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे कि academyhati का किया था, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसका academyhati ऐसा करके टाइप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ये मैं कॉपी करके यहाँ पर अंदर में घुस जा रहा हूँ। घुस जाने के बाद यहाँ पर देखिए सिंपली ये जो थ्री डॉट्स है, थ्री डॉट्स में जाके ये शेयर वाला जो है शेयर में जाके कॉपी लिंक कर दे रहा हूँ, कॉपी हो गया। तो अभी सिंपली मैं क्या करूँगा, अभी मैं ये जो डायनेमिक वाला जो है यहाँ पर आके ये लिंक में पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। तो अभी यहाँ पर देखिए ये डायनेमिक लिंक का नेम पूछ रहा है, तो नेम आप यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी नेम दे सकते हैं आप लोग। देखिए इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट हो गया, ये भी यहाँ पर भी नेक्स्ट कर दीजिए, ये भी नेक्स्ट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए, और यहाँ पर जो स्किप वाला है स्किप कर दीजिए, करने के बाद इसको कंटिन्यू कर दीजिए, एक क्रिएट कर दीजिए। तो इसके बाद देखिएगा आपका जो डायनेमिक लिंक है वो लिंक क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका डायनेमिक लिंक ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये लिंक नेम बोल रहा है, यूआरएल बोल रहा है, लिंक नेम जो कुछ भी आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यूआरएल जो बोल रहा है, ये यूआरएल को आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर बोल रहा है आपका यूआरएल कॉपी हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्लिक कितना हो रहा है, रिडायरेक्ट कितना कितना रिडायरेक्ट, ये सब आपको यहाँ पर से मतलब अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ से दिखा देगा कितना कुछ हुआ। तो यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड यहाँ से क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कॉपी टू क्लिपबोर्ड हुआ। तो अभी यहाँ पर आप ये जो आपका टेलीग्राम है जो भी वगैरह है आपका, जैसा कि अगर आपका यहाँ पर टेलीग्राम है तो टेलीग्राम में जा सकता है, टेलीग्राम में जाके आप लोग यहाँ पर आपका जो बायो है बायो में भी दे सकता है, ठीक है। आपका यहाँ पर सेटिंग में ये जो है ना ये बायो बायो जो है बायो में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बायो में दे सकते हैं आप लोग। ये आपका जो इंस्टाग्राम है इंस्टाग्राम में भी दे सकता है, ठीक है। मेरा जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम में ऑलरेडी यहाँ पर दे हो चुका है, आपको दिखा देता हूँ इंस्टाग्राम में ले जाके, ये देखिए यहाँ पर मेरा ऑलरेडी दिया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पेज लिंक बोल रहा है, तो मेरा ऑलरेडी इंस्टाग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग को करना है, तो अगर करेंगे तो देखिएगा इसके मतलब ये करने के आपका जो फ़ायदा मिलेगा वो आपका सब्सक्राइबर बहुत जल्दी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। मतलब जैसे ही कोई भी आके क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपका चैनल में घुस जाएगा, घुसने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बाद में डिक्रीज भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे यूट्यूब रिलेटेड वीडियो ले आता हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं आए तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं आप लोग के साथ कोई एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।